कांग्रेस सरकारी टेंडर में भी अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। 47 में ही पूरा देश आप पाकिस्तान बना देते, उसी समय भारत का नामो निशान मिटा देते। जब तक मोदी जिंदा है, नकली सेक्युलरिज्म के नाम पर, सुडो सेक्युलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिखा है, कांग्रेस सरकारी टेंडर में भी अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे, यानी कांग्रेस ठेकेदारी में भी धर्म के आधार पर कोटा देगी। कांग्रेस का इरादा खेलों में भी अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता का है, यानी क्रिकेट टीम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। मैं आज कांग्रेस से पूछता हूं, अगर ऐसा करना ही था तो 1947 में 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने देशवा भारत माता का तीन टुकड़े क्यों कर दिए, भारत मां की भुजाएं क्यों काट दी, देश का बंटवारा क्यों किया। 47 में ही पूरा देश आप पाकिस्तान बना देते, उसी समय भारत का नामो निशान मिटा देते। मैं आज दो टूक कह रहा हूं और ये कांग्रेस वाले और उनके सारे चट्टे बट्टे जरा कान खोल के सुन लो। और मैं बराबर पूरी ताकत से कह रहा हूं, कांग्रेस वाले और उनके सारे इंडिया अलायंस वाले कान खोल करके सुन लो, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, नकली सेक्युलरिज्म के नाम पर, सुडो सेक्युलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा। और ये हजारों वर्ष पुराने भारत को उसकी इस संतान की गारंटी है।